मास्टर डेंजोंग का कंग फू स्कूल। यहाँ से पैदल चलेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। बाय रोड तो रास्ता बहुत लंबा है। उत्तरी, इतनी दूर पैदल चल के जाना है? और नहीं तो क्या। ओ यार गट्टू, हम कंग फू स्कूल और डेंजोंग क्यों जा रहे हैं? अरे देखो ना, कितना खतरनाक रास्ता है। मास्टर डेंजोंग बहुत बड़े कंग फू मास्टर है और हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। उनका बेटा बचपन में गुम हो गया था। सुना है आज उनका बेटा उनसे मिलने आ रहा है। हम देखना चाहते हैं कि उनका बेटा कैसा है। इसी बहाने मास्टर डेंजोंग से भी मुलाकात हो जाएगी। अरे कितना चलना पड़ेगा यार, मैं तो थक गया हूँ। और चला नहीं जा रहा मुझसे। वो देखो डोंकी, चलो उस पर बैठ के चलते हैं। जल्दी पहुंच जाएंगे आराम से और थकान भी नहीं होगी। वो तो घास खाने में बिजी है, उस पर बैठेंगे तो नाराज हो जाएगा। अरे क्या बात कर रहे यार गट्टू, डोंकी बहुत सीधा जानवर होता है। अरे वो जानता है बोझ उठाना ही उसका काम है। तू टेंशन मत ले, तू बट्टू के साथ चल। अरे बट्टू एनिमल बिहेवियर समझने में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट। आ जा चल। अभी बताता हूँ डोंकी कितना सीधा होता है। मुझे धोबी का डोंकी समझा है क्या? बट्टू अभी इस डोंकी को नहीं पता कि बोझ उठाना इसका काम है। आप जाइए इसे समझाइए ना, चलिए जाइए। अच्छा समझाओ। अरे वो तो इधर ही आ रहा है। अरे फिर से तो लत्ती मारेगा। समझना समझाना छोड़ो और पकड़ के भागो। अरे भाग यार भाग, भाग। बट्टू डोंकी से लात खाने का शौक मत मनाओ। ये सोचो स्लोप कितनी जल्दी खत्म हो गया, अब सिर्फ हमें चढ़ाई ही तो चढ़नी है। अरे वाह, अभी तुम्हें चढ़ाई भी चढ़ा देता हूँ। साहब ये दोनों फाइट क्यों कर रहे हैं? हर्षवर्धन और तेजा दोनों लड़कों का ये कहना है कि वो मास्टर डेंजोंग के बेटे हैं। दोनों के गले में मास्टर डेंजोंग का खानदानी लॉकेट है, इसलिए फैसला अब कुंग फू फाइट से हो रहा है। जो जीतेगा वो मास्टर का बेटा। मास्टर डेंजोंग का कहना है कि उनका बेटा हार ही नहीं सकता, कुंग फू उनके खानदान के खून में है। शाबाश तेजा, इसमें कोई शक नहीं कि तुम मेरे बेटे हो। हर्षवर्धन, इससे पहले कि तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया जाए, तुम यहाँ से खुद ही चले जाओ। उनके बेटे ना होते तो उनके पैर नहीं छूते। आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि आप ही उनके असली बेटे हो। क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? कोई फायदा नहीं, कितने सालों के बाद उनका पता चला था, लेकिन कोई फ्रॉड पहले ही मेरी जगह लेकर बैठा है। सब उस फ्रॉड के साथ हैं। तुम अकेले क्या कर सकते हो? देखिए, हम गलत बात और गलत आदमी का साथ कभी नहीं देते। हम मास्टर डेंजोंग के बहुत बड़े फैन हैं।
और कोई धोखेबाज उन्हें धोखा दे ये हम नहीं देख सकते। हम आपकी मदद जरूर करेंगे। आप यहीं रुकिए और अपना लॉकेट हमें दीजिए। पापा, पापा, कितने सालों बाद मिले हैं पापा। पापा, हमने आपको कितना मिस किया। आपको पता है पापा, हमारे प्यारे पापा, दुलारे पापा, आप हमसे दूर मत जाइएगा, ठीक है? ए, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। क्या सबूत है कि तुम मेरे बेटे हो? ये देखिए पापा, हमारा खानदानी लॉकेट बचपन से ही हमारे गले में है। पापा, ये है हमारा दोस्त बट्टू। बट्टू, मीट माय पापा। नाम तो सुना ही होगा। नमस्ते पापा, आप गट्टू के पापा हो तो मेरे भी पापा हुए। ए, इतना जल्दी मत करो, तुम्हारा लॉकेट नकली है। ये देखो, मेरे पास असली लॉकेट है और ये मेरे पिताजी है। वैसे हमारे पास एक और सबूत है, कंग फू हमारे खून में है, हम कंग फू एक्सपर्ट है। मैं तैयार नहीं था, बोल के वार कर रहा था। आओ, मेरी नाक देखो पिताजी, इसने मेरी नाक तोड़ दी है। पापा, इन्हें तो कंग फू आता ही नहीं है, वरना ये खुद को डिफेंड नहीं करते, है ना पापा? हमने सही कहा ना पापा, बोलिए ना पापा। ये मेरे पिताजी हैं, हट जाओ धोखेबाज, इनके करोड़ों के प्रॉपर्टी हथियाने आए हो। शांत हो जाओ गट्टू, तुमने मेरे मन में शक पैदा कर दिया है। कल सुबह तुम दोनों का मुकाबला होगा, जो जीतेगा वही मेरा वारिस होगा। कल तक तुम मेरे मेहमान हो, इन्हें मेहमान खाने में ले जाओ। गट्टू तो हमारे प्लान को पूरी तरह फेल कर देगा, इसका कुछ बंदोबस्त कीजिए, वरना हमने मास्टर डेंजोंग की करोड़ों की प्रॉपर्टी हथियाने का जो प्लान बनाया है वो सब चौपट हो जाएगा। डोंट वरी माय सन, गट्टू कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। वाओ, क्या वो देर तक सोता है? नहीं, मेरा मतलब है कल सुबह होने से पहले ही मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। आप उसका कोई काम नहीं करोगे, आप मेरे डैड हो, मैं आपको उसका कोई काम नहीं करने दूंगा। अरे, अकल घुटने में है क्या? सुबह होने से पहले मैं उसे ऊपर वाले के पास भेज दूंगा, समझे? अब आगे एक शब्द नहीं बोलना। ओ, समझ गया समझ गया। उत्तरी, बट्टू का सिक्स सेंस कह रहा है या खतरा है, खतरा कुछ होने वाला है, पर खतरा कहाँ है ये मुझे ढूंढना होगा। मैं जाके ढूंढता हूँ। यार बट्टू को पता है कहीं खतरा तो है, पर कहां पर है ये समझ में नहीं आ रहा।
क्या हुआ, डरे क्यों हो? बस बस, वो कॉरिडोर में भूत है जी। भूत? क्या बकवास कर रहे हो, भूत भूत कुछ नहीं होता, ये जरूर उनकी कोई चाल होगी। वापस जाओ और उसे खत्म कर दो। ये स्कूल और डेंजोंग की करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरी है, इस पे कोई हक नहीं जमा सकता। डेंजोंग मुझे अपना बेटा मान चुका है, वो नहीं जानता मैं भी नकली हूँ और मेरे ये गले का लॉकेट भी नकली है। जाओ जाओ, उसे खत्म कर दो। शांत गदाधारी भीम, शांत। अगर उन्हें हमारे प्लान का पता चल गया तो वो अलर्ट हो जाएंगे। अब जाके कोई फायदा नहीं, कल सुबह मैं गट्टू की कहानी खत्म कर दूंगा। क्या आप उसे कहानी सुना रहे हैं? आपने बचपन से मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। मैं तरसता रहा, मेरे डैड मुझे कभी तो कहानी सुनाएंगे, और आप उस दुश्मन को कहानी सुना रहे हो, वो भी इतनी लंबी जो कल खत्म होगी। अरे जब अकल बढ़ रही थी तो तुम कहाँ थे? कहानी खत्म का मतलब होता है उसको ही खत्म कर दूंगा, समझे? आइए आइए गट्टू जनाब, मौज मस्ती हो गई आपकी? अरे यार, कदम कदम पे खतरा है खतरा, और मैं खतरों से अकेले जूझ रहा हूँ, तुम कहाँ घूम रहे हो? बाहर मौसम बड़ा सुहाना था, इसीलिए हम स्केटिंग करने चले गए थे बट्टू। अब ये बताइए, आपने क्या क्या मुसीबत झेली? अरे ध्यान से सुनो, कल सुबह तुम्हारा खेल खत्म होगा, पैसा हजम होगा, कैसे होगा ये नहीं पता, पर हमें होशियार रहना होगा, होशियार। चला पकड़ा उसका। ये क्या हो रहा है, सब रुक जाओ। सॉरी बॉस, हम इतने सारे लोग मिलके भी उसे खत्म नहीं कर पाए। ओ वेरी सॉरी, हम अपने काम में फेल हो गए हैं जी। वो हमें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, वो सचमुच मास्टर डेंजोंग का ही बेटा है जी, पक्की बात जी। क्या ये तुम्हारे आदमी थे? तो मुझे रास्ते से हटाने के लिए इतना गिर सकते हो जी? अच्छा हुआ इसकी पोल खुल गई, अब इसे मैं सबक सिखाऊंगा। धोखेबाज, चालबाज, आओ आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी इस स्कूल की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखोगे। अरे गट्टू रुक जाओ, बट्टू है ना, इनके लिए तो बट्टू ही काफी है। ये सब क्या तमाशा चल रहा है? Come on, fight करो, fight! अरे ये फाइट से पहले की तैयारी है, पहले की, जो कल रात मैंने अपने मोबाइल पे शूट कर ली थी। वापस जाओ और उसे खत्म कर दो। ये स्कूल और डेंजोंग की करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरी है, इस पे कोई हक नहीं जमा सकता। डेंजोंग मुझे अपना बेटा मान चुका है, वो नहीं जानता मैं भी नकली हूँ और मेरे गले का ये लॉकेट भी नकली है। जाओ जाओ, उसे खत्म कर दो। भाई बट्टू, आपने तो कमाल कर दिया। वैसे ये सब आपने किया कब? अरे तब जब तुम अच्छे मौसम में स्केटिंग का मजा लेने गए थे और मैं खतरों से अकेले जूझ रहा था। इसका मतलब तेजा फ्रॉड है, तुमने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया सिर्फ दौलत के खातिर। नहीं गट्टू, मैं तुम्हें इस जीत का मजा नहीं लेने दूंगा। साथियों, खत्म कर दो इसे।
शाबाश मेरे गट्टू, आज तुम्हारी इम्तिहान की घड़ी है। अगर तुम मेरे सच्चे बेटे हो तो इन सब को अकेले ही खत्म कर दो। कि तुम फिर कभी नहीं जागोगे। बट्टू, इन्होंने हम पर नींद का स्प्रे डाल दिया और हमें नींद आ रही है। आपका शुक्रिया बट्टू। सोना मत गट्टू, सोना मत। ये लो पानी, अपने मुंह पे मार लो। अच्छी तरह पूरे मुंह पे मार लो, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए भाई साहब, फाइट की है हमने। टेंशन मत लो बट्टू, अरे बट्टू है ना, बट्टू एक एक को देख लेगा। तुम सो जाओ। उतरी, ये कहां से आ गया? अरे बट्टू, अरे अभी सोना मत, मेरा लास्ट ऑर्डर कैंसिल कर दो। मत मारो, दर्द होता है। जनाब साइड में जाकर बैठ जाइए और उठिएगा मत। चलो बच्चों, अब सारी नींद उड़ जाएगी। अब आ जाओ, हम जाग गए। Come on.
गट्टू गट्टू गट्टू, मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे बेटे हो। इसे और इसके साथियों को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। नहीं मास्टर, एक पायलट का बेटा पायलट हो ये जरूरी नहीं, और ये भी जरूरी नहीं कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो। हम आपके बेटे नहीं हैं मास्टर, हर्षवर्धन आपके बेटे हैं। मुझे माफ कर दो बेटे, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। गट्टू बट्टू, मुझे मेरे बेटे से मिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर डेंजोंग, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो खेल शुरू हुआ है। डैड, आप मास्टर डेंजोंग के साथ कोई खेल खेल रहे थे और मैं यहाँ अकेले मार खा रहा था? कैसे डैड हो आप? हमारा सारा प्लान चौपट हो गया और अभी भी आप उनके साथ खेलने की बात कर रहे हो? इसे मेरे सामने से ले जाओ, मेरे हाथों से भी मार खाएगा।